तो कैसे आप लोग देखिए 23 सितंबर से 8 मार्च तक आपका मार्च कप स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई टूर्नामेंट है और यहाँ काफ़ी अच्छे मैचेस आपको मिलते हैं, ठीक है। हर साल का ये रिकॉर्ड रहता है कि काफ़ी अच्छे मैच यहाँ देखने मिलते हैं। अब इनका ऐसा है कि टूर्नामेंट का अगर आप शेड्यूल देखोगे तो आप समझ जाओगे, जैसे सितंबर में 3-4 मैच है, अक्टूबर में 3-4 है, नवंबर में 3-4, ये सिर्फ मजाक करते हैं और कुछ नहीं है। किसी भी टूर्नामेंट को सीरियस नहीं लेते BBL वगैरह, इसीलिए अब इनकी हालत ख़राब है। इनके खुद के प्लेयर अब कहीं और जाके खेल रहे हैं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है तो सही से करना चाहिए। एटलीस्ट आप मतलब सोच लो कि 23 सितंबर का शुरू जो टूर्नामेंट है 8 मार्च को जाकर ख़त्म होगा। ये कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ टाइम पास हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या मतलब है इन सारी चीज़ों से। फटाफट टीम देख लेते हैं, अब होगा क्या, इनके मेन प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, ठीक है, सारे लोकल प्लेयर्स खेलेंगे, तो आपको कुछ नए प्लेयर्स देखने मिलेंगे। एक बार टीम का आप देख सकते हो, ये 6 टीमें हैं, एक विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, इनकी सबसे बड़ी ब्रांड है, ठीक है। अभी यहाँ सारे जो बड़े प्लेयर हैं सब इसी के हैं, चाहे वार्नर हो, स्मिथ हो, चाहे आपके जैम्पा हो, मिचेल स्टार्क हो, सब इधर से ही आते हैं, न्यू साउथ वेल्स से। मतलब बहुत बड़ी टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका की टाइटंस है, इंडिया की मुंबई इंडियंस, और आप CSK ले सकते हो, पर यहाँ कोई आपको खेलते नहीं मिलेगा, ये टीम हारते मिलेगी आपको न्यू साउथ वेल्स ब्लूज़ की। आइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कैसा होता है। देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि स्कोर 350 तक भी जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चेजेबल होता है। ये सब होता क्या है कि यहाँ पे मैचेस अच्छे होते हैं, आपको एक रेंज का स्कोर मिलेगा 200 से 350, एक परफेक्ट स्कोरिंग ग्राउंड, मतलब बॉलिंग और बैटिंग ग्राउंड रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलता है। अब बस रेंज से प्रॉब्लम ना हो तो आपको सारे मैचेस बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है ऑस्ट्रेलिया में, आप फटाफट देख लेते हैं। मैंने तो अभी देखा है, देख लेते हैं कोई प्लेयर अगर आपके काम का हो तो अपन देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं तो आप वीडियो बंद कर सकते हो, मेरे को सिर्फ बताना था। मैंने आपको पहले भी बोला था मैकेंजी हार्वे ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट बिग थिंग है, ठीक है। अभी जो बड़ा नाम करेगा वो मैकेंजी हार्वे करेगा, लेफ्ट आर्म का बैट्समैन है, बहुत क्लासिकल बैट्समैन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, आप लिख के रख लीजिए। सैम हार्पर थोड़ा तेज खेलता है, बॉल नॉट का कैंडिडेट हो जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा पीटर हैंडसकॉम तो आप सबको मालूम है, काफ़ी पुराना है। विल सदरलैंड ऑलराउंडर है इनका, मैथ्यू शॉट आपका एटलेट स्ट्राइकर में अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, ठीक है। इसके अलावा तो इनके पास कुछ खास है कि नहीं देख लेते हैं, बस मेरे को इतना ही मालूम है, ठीक है। स्कॉट बोलैंड तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेल रहा, इतना टॉप का बॉलर है, यहाँ भी शायद अब नहीं खेलेगा, ठीक है। इन सबका सिलेक्शन टेस्ट मैच में हो जाएगा तो मैक्सिमम ये लोग नहीं खेलने वाले। जेट लेमन ठीक ठाक प्लेयर, मतलब कौन सा प्लेयर आपको कुछ बड़ा करके दे सकता है, नाम ही ऐसे ऐसे हैं कि मैंने खुद को नहीं देखा है, ठीक है। ट्रेविस हेड तो अब बड़ा नाम बन चुका है, सब नहीं खेलने वाले, ठीक है। वैसे अगर ये सब मतलब ठीक है, सच प्लेयर के बारे में मैं उतना, व्यू वेबस्टर का मैं फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर है व्यू वेबस्टर, ठीक है, अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, नीचे पे मार के देता है, ठीक है। जॉर्डन सिल्क का मैं फेवरेट, मतलब मैं बहुत मानता हूँ उसको, ठीक है। ये काफ़ी मैच हो सकता है आपको विन करा के दे तस्मानिया के लिए, नीचे खेलने आता है, तो कैप्टन भी था लास्ट ईयर जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है ऑस्ट्रेलिया का। कैबल जोएल काफ़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप रहती है इनकी, और कोई एक और प्लेयर है मैकडरमॉट, पर ये मैकडरमॉट तो आप ऑस्ट्रेलियन के हो गए तो अभी यहाँ नहीं खेलने वाले। तो ये टीम मेरे को काफ़ी बेहतरीन लग रही है अभी तक। अगर इनकी बैटिंग की बात करें, पीटर सीगल आपको खेलते मिलेगा, सैम रेनबर्ड लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर काफ़ी अच्छा बॉलर है, ठीक है। राइली मिलर फिर ऑस्ट्रेलिया से हट गया तो इधर आपको खेलते मिलेगा, जैक्सन बट बहुत ही पुराना फास्ट बॉलर है, तो ये टीम अच्छी लग रही है यहाँ तक। अगर ये सारे फास्ट बॉलर खेलते हैं, अच्छी खासी इनकी बैटिंग लाइनअप भी है, तो ये हो सकता है आपको विन करते मिले, ठीक है। इसके अलावा क्वींसलैंड बुल्स में देख लेते हैं, मैच प्लान तो बेकार हो चुका है, पहले आता था बहुत मारता था, अब ये तो टेस्ट मैच का प्लेयर टाइम में झेलने लग गया थोड़ा सा। अब देखते हैं ODI में कैसा प्रदर्शन इसका रहेगा। जेम्स बेजली बहुत क्लासिकल प्लेयर, मतलब नीचे में हिट करके देता है, और आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन नहीं है। जेम्स बेजली जो ये सब साल हीट के प्लेयर है, ठीक है, हीट के ये जिमी पियर्सन मेरा फेवरेट क्रिकेटर, सैम हेजलेट है, ठीक है, जो बर्न्स बहुत ही क्लासिकल खेलता है, जैक विल्डरमॉट मेरा फेवरेट, मेरे को ये सारे प्लेयर जितने भी हीट के हैं बहुत सही लगते हैं, ये सारे हीट के प्लेयर हैं। क्वींसलैंड बुल्स में ये सब जैसे एक्जेवियर बार्डेट, मार्क स्टेकेटी, ये सारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, नीचे में आपको बहुत मोटा मार के दे सकते हैं। जेम्स बेजली तो बहुत ही ऊपर आता है इन सब में, तो ये टीम बहुत ही तगड़ी दिख रही है मेरे को, ठीक है। इसके अलावा मैथ्यू कुनमैन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलरेडी प्रदर्पण कर चुके हैं, मतलब इनका डेब्यू हो चुका है, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, वो ठीक लग रहे थे। और बाकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, डार्सी शॉट तो इधर खेलेगा, क्योंकि उधर हट गया शॉन मार्स, तो भाई क्लासिकल है हमेशा से ही, अस्टन टर्नर मेरा फेवरेट क्रिकेटर, बट यही है कि ये लोग को मौका ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। स्टोइनिस इधर तो नहीं खेलेगा, उधर ही खेलेगा मिचेल। ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, हिल्टन कार्टराइट काफ़ी तेज खेलते हैं, इसके अलावा तो एडन हार्डी अच्छा प्रदर्शन है, ये सबको आपको मालूम ही होगा, ये सब आपके जो टूर्नामेंट जीती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया में अभी T20 उसी के प्लेयर हैं, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। ऑस्ट्रेलिया का इस बार जो BBL जिसने जीता था, एरन हार्डी, सब उसी का प्लेयर है, उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं, स्टेनेगर वगैरह, जेसन बैनक्रॉफ, सब उसी की टीम है, ठीक है। जेसन बैनक्रॉफ का तो पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपका डेविड वार्नर ये तो खेलेगा नहीं, जेसन सांगा ये फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। विलियम सेल्जमैन फ्यूचर, याद रखिएगा, नीचे में हिट करके देता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अंडर 19 में अच्छा प्लेयर चला था, टचर होल्डर तेज खेलता है, ठीक है।
इसके अलावा हेडन कर आप सबको मालूम है, बहुत अच्छा खेलता है सिडनी सिक्सर्स के लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। मोजेस हेंड्रिक्स है, बहुत ही पुराना क्रिकेटर है, सीन एबॉट ये सब तो खेलेंगे नहीं। और इसके अलावा तो लियाम हैचर वगैरह ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, तो टीम कुछ खास नहीं लग रही है मेरे को। तनवीर सांगा लेग स्पिनर है। तो ये कुछ प्लेयर्स के नाम मैंने बताया, शायद आपको भी मालूम होगा। अब इन सारे प्लेयर के बारे में बताने का कुछ सेंस नहीं बनता। जैसे इसमें विल प्रेस्टविज आपको दिख रहा है, ठीक है, बॉलर में काफ़ी तेज खेलता है नीचे में, ये सारी चीज़ आपको मालूम होती है। इसके अलावा केन रिचर्डसन तो पुराना ही प्लेयर है, गुरिंदर संधू काफ़ी विकेट लेता है डोमेस्टिक में। तो प्लेयर के नाम तो मैंने देखे हुए, अगर चाहूँ तो बता सकता हूँ एक एक करके। बट टॉम एंड्रूज ठीक ठाक बॉलिंग करता है, मीडियम पेस टाइप का बॉलर है। इसके अलावा बिली स्टैंगलेग बहुत पुराना फास्ट बॉलर है, तो अब सेंस नहीं बनता। ठीक है, देखेंगे, टूर्नामेंट अच्छा होगा। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, कुछ खास है नहीं, बट हाँ मैचेस अच्छे मिलेंगे इसलिए मैंने आपको बताया। जितने भी मैचेस आपको दिख रहे हैं 22-23 जितने भी मैचेस यहाँ लिखे हैं, अच्छे मैचेस होंगे और कुछ बहुत ही लो रेट से मैचेस उड़ जाते हैं। ठीक है, आपको चाहे चेज मिले चाहे रिफंड मिले, मैचेस अच्छे होते हैं। ठीक है, एक कम्पटिटिव टूर्नामेंट होता है और आपके लिए बना हुआ है टूर्नामेंट, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।